एक चीज का मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है, हमेशा मन करती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं सर्दियाँ आ गई है तो इसकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो आज जो है सुबह मुझे इतनी गंदी हेडेक हो रही है कि मतलब मेरा मूड भी ठीक नहीं है, मेरी आंखें भी आप देख सकते हो ऐसे बिल्कुल नींद करने का मन कर रहा है, और मूड इसलिए भी ऑफ होता है, सर में दर्द होती है, बंदा खुश तो होगा नहीं ऑब्वियसली, हमारा मूड तो ऑफ ही होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए जाते हैं जिम मूड ठीक करने के लिए, तो वहाँ से आके देखते हैं कि मेरी हेडेक कम होता है, असर होता है उसमें, सर दर्द में तो, और मूड में भी ऑब्वियसली मूड तो ठीक होगा क्योंकि जिम जाने से मूड ठीक हो जाता है, और मैं वहाँ से आके देखती हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं टैबलेट लूँगी, अगर हुआ तो अच्छी बात है, फ़िलहाल के लिए मैं जिम जा रही हूँ। बाहर के नज़ारे ऐसे कुछ हैं, बहुत अच्छा मौसम है अब जम्मू में, बहुत अच्छा, गर्मी अब है नहीं उतनी। एक चीज़ का मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, वो है स्कूल जाने का, मेरे को इतना मन कर रहा है स्कूल फिर से जाने का, मतलब बचपन वाला वो स्कूल जाना, वो टिफ़िन साथ लेना, और मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा, कोई ऐसा स्कूल ओपन हो जहाँ पे हम जैसे बंदरों को अलो करते हो और हम एडमिशन करते हो और फिर हम स्कूल जाते, मतलब हम अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे निकालते और थोड़ा सा मस्ती भी करते, और मतलब वो सब जो बचपन में हमने किया नहीं था मस्ती, तो वो आज करते, मतलब वो सारे, मतलब जो भी था हमारी बचपन की यादें हम फिर से ताज़ा करते। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई स्कूल ओपन हो हमारे लिए। गवर्नमेंट से मेरी ये इल्तिजा है कि प्लीज़ आप हमारे लिए कोई स्कूल ओपन कर दीजिए ताकि हम स्कूल जा सकें और हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। ऑलवेज मैं ये बंद करती हूँ, ऑलवेज, मतलब जहाँ पे भी लाइट फजूल की ऑन होती है तो मैं हमेशा बंद करती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं करती हूँ, अच्छी आदत है। बिस्मिल्लाह। A few moments later. तो मैं जिम से आ गई वापस और मेरा जो हेडेक है वो कम हुआ नहीं। ओके, मैंने क्या किया, आधी जिम छोड़ के मैंने पहले स्क्वाट्स मारे, और उसके बाद जब पेन कुछ ज़्यादा ही होने लगी और उसके बाद मैं शॉप पे गई, वहाँ से मैंने टैबलेट खरीदी और मैंने ORS का जूस भी ख़रीदा, फिर मैंने टैबलेट खाई तो फिर मुझे फ़र्क पड़ा, फिर मैंने वर्कआउट किया, वरना मे से वर्कआउट हो नहीं रहा था बिल्कुल भी, इतनी गंदी दर्द हो रही थी, और वो भी यहाँ पे आके, बिल्कुल यहाँ पे आके ऐसे ऐसे हो रहा, इतनी दर्द हो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको। फ़िलहाल जो है मैंने थोड़ा लंच भी करा, एक रोटी खाई फ़िलहाल, और बाकी जो भी था वो खाया मैंने, जो भी मेरा था, एग्स वगैरह जो भी मैं लेती हूँ, तो फ़िलहाल मैंने खाया, एक घंटे के बाद मैंने खाया, तो जल्दी से नहीं खाती हूँ फ़िलहाल, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ तो उसके बाद खाती हूँ खाना, और अब जो है मैं पढ़ूँगी नमाज, और उसके बाद जो है थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी क्योंकि अभी नींद आती, क्योंकि जब भी मैं जिम से आती हूँ ना मेरे को इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है ना, मतलब पता नहीं ये सब के साथ होता है नहीं होता, लेकिन मेरे साथ बहुत होता है, अभी भी ना मेरी आंखें बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ यहीं पे सो जाऊँ, लेकिन पहले नमाज पढ़ूँगी उसके बाद जो है मैं शायद सो जाऊँगी, अभी पता नहीं है कब प्लान चेंज हो जाए, कब मेरा दिल करे नहीं सोने है, नहीं सोना है तो मर्ज़ी मेरी है भाई। तो फ़िलहाल जो है मैं नमाज़ पढ़ूँगी, और उसके मैं नमाज का मुँह धो के बाहर जाती हूँ, तो मैं दोबारा से दूंगी क्योंकि मेरे को मानना है कि मैं दोबारा से दूंगी, तो उसके बाद नमाज पढ़ूंगी, तो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, देखो डॉक्टर के पास जाना था तो फिलहाल डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, तो 6 बजे का अपॉइंटमेंट था, तो आज बहुत जल्दी शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, और वैसे भी कल से काफ़ी अंधेरा है जम्मू में, अंधेरा अंधेरा जब है, पता नहीं क्या मसला है, देख लो बिल्कुल अजीब जैसा कुछ, शायद से सर्दियां आ गई हैं तो इसकी वजह से ऐसा मौसम हो रहा है, ये देखो मतलब जैसे बहुत ज़्यादा कुछ अजीब जैसी, मतलब
फॉग जैसे हैं, मुझे लगता है शायद बारिश होने वाली है, ऐसा ही कुछ है। और सर्दियां तो आ ही रही हैं, ऊपर से सर्दियों में जम्मू में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी कश्मीर के लोग जम्मू में आते हैं सर्दी में, तो जम्मू में जो है राहत मिलती है क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। हाँ, बाकी भी किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, रामबन, जम्मू, पुंछ, रजौरी, बहुत सारे एरिया के लोग आते हैं, बट कश्मीर के ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फिर जाम रहता है, बहुत ज़्यादा जाम, ट्रैफिक का जाम रहता है। तो अब आगे आके ज़्यादा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है उतनी सर्दी नहीं है, सर्दी तो है नहीं अभी जम्मू में, तो जब अब सर्दी स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो अब जब सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो तब ज़्यादा रश पड़ेगा जम्मू में। नज़दीक से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपको तो पता ही है, आवाज़ नहीं आती है फिर पास आके बोलना पड़ता है, ऐसे ऐसे कहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि अभी जो है 5 बज रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है रात बिल्कुल होने वाली है, अभी बहुत अंधेरा हो रहा है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि अभी टाइम जो है वो 5 है। गर्दे से पत्ते सफ़ेद हो गए हैं ग्रीन के बजाय। इतना टाइम वेट करके आप जाके, मेरे को बहुत भूख लगी है क्योंकि आजकल मैं डाइटिंग पे भी हूँ। डाइटिंग पे क्या मतलब, अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप कम खाना खा रहे हो, ऐसा ये नहीं है, वीकनेस होती है, नहीं, जितना मैं खाती थी उससे बिल्कुल कम खा रही हूँ, खाती सब ठीक है, लेकिन शुगर नहीं खाती हूँ, फ्राइड नहीं खाती हूँ, राइस तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मुझे भूख लगी है, वेट करते करते अब हम थोड़ा आए हैं सूप पीने, तो फिलहाल हम पियेंगे चिकन सूप, और फिर घर के लिए भी कुछ सब्ज़ी लेनी है, ये रहो, घर के लिए भी कुछ सब्ज़ी लेनी है, यार घर के लिए सब्ज़ी लेनी है, सीरियसली बोल रही हूँ मैं तो। और क्या नहीं, क्या लेंगे आज, आज आलू तो नहीं खाएंगे हम। यार क्या कर रहे हो आप भी आ जाओ, थोड़ा ज्वाइन कर लो। बीमार लोग क्या ज्वाइन करें, बीमार मतलब कितना अच्छा पेशेंट है देखो आप। तो मतलब हमने क्या करना है, हमने कुछ सब्ज़ी लेके जाना है, अभी हमने कुछ पकाया भी नहीं है, ठीक है, क्या लेंगे आज, यहाँ पे चिकन सूप नहीं, इधर तो लेंगे, वहाँ पे भी चिकन सूप ही बनाएंगे, चिकन सूप पियेंगे और घर के लिए कुछ सब्ज़ी बनाएंगे। काफ़ी टाइम से हमने सब्ज़ी नहीं खाई है। हाँ हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि हम कुछ सब्ज़ी खानी चाहिए आज। के नमाज़ अदा हो गई है और अब क्या है, अब ये है कि मेरा एक सब्सक्राइबर है, वो कह रहे थे पाकिस्तान से है, वो कह रहे थे कि मेरा नाम जो है आप ले लेना जमील, तो जमील जी अस्सलाम वालेकुम, हाय। तो मुझे लास्ट व्लॉग में याद नहीं रहा था क्योंकि मैं भूल गई थी, सॉरी। तो अभी मुझे याद आया कि मुझे आपका नाम लेना है, तो और क्या बोलना था, और अब डिनर करेंगे हम लोग, तो फिर जो है हम आराम करेंगे। तो थैंक यू आप लोगों के लिए जिसने मेरी वीडियो देखी और मतलब हेल्प की, वो तो अल्लाह पाक आपकी भी मदद करेगा। तो किसी के थ्रू भी हो, चाहे वो व्लॉगर्स हो, चाहे वो ट्रस्ट वाले, मतलब अबाबील वाले हैं, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि काफ़ी लोगों ने स्टेटस लगाए, स्टोरीज़ लगाई, बताया भी, कॉल पे भी, मतलब हर तरीके से जो है खबर जो है फैल गई और
जमा हो गया और उन तक जो है जितना लोगों ने मतलब मदद की तो वो सामान जो है उन तक पहुंच पाया। नुकसान तो उन लोगों का बहुत हुआ है क्योंकि घर उनके तबाह हो गए हैं। अपनी तरफ से हमेशा जो है कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा हो, क्योंकि अल्लाह ताला जो है इतनी छोटी सी बात जो है उनको अगर अच्छी लगती है तो वो हमें हमारी सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। अगर अल्लाह ताला चाहता है तो वो कुछ भी करते हैं अल्लाह, क्योंकि उनकी मर्ज़ी है। उनको छोटी सी बात अच्छी लगे किसी इंसान की तो वो फिर ये नहीं देखते कि ये गुनहगार है या कुछ भी है, इसलिए हम किसी को गुनहगार नहीं बोल सकते। तो अपनी तरफ से अच्छाई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा हो हमेशा। तो अल्लाह ताला जो है मौका ढूंढता है कि बंदा कुछ ऐसा सवाब करे कि मैं इसको बख्शूं, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता है, कभी कभी वो ऐसा कुछ कर देता है कि वो जहन्नम में पहुंच गया होता है। तो अल्लाह ताला सबको बचाए, अल्लाह ताला हमें भी बख्शे, आप सबको बख्शे, अल्लाह ताला आप पे भी रहम करे, हम पे भी रहम करे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल।